में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि रायपुर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1066 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 310 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 6000 के पार पहुंच गए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ले लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस छत्तीसगढ़ में आए हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी प्रशासन ने की है? देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। कल 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और राजधानी रायपुर में 300 से ज़्यादा मामले और 281 दुर्ग में, मतलब आप समझ सकते हैं 50% से ज़्यादा रायपुर और दुर्ग दो ही ज़िलों से आए हैं। दुर्ग में तो कल होली को लेकर प्रशासन ने नियम कायदे वहां पर सख्ती से लागू कर दिए कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। लेकिन राजधानी रायपुर की बात की जाए, यहाँ प्रशासन ने अभी किसी भी प्रकार के निर्देश जारी नहीं किए हैं। मास्क को लेकर जरूर चेकिंग अभियान की बात कही गई थी और फाइन की बात कही गई थी, वो कुछ जगहों पर नजर भी आ रहा है, लेकिन बहुत सख्ती के साथ कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग भी लापरवाह हैं, मैच भी वहां पर चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी यहां पर कह रहा है कि मैच से जो लोग लौट रहे हैं वो भी यहां पर कहीं ना कहीं संक्रमित नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन ने सख्ती तो दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये अभी भी लागू नहीं हुआ है। 6000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। हालांकि बॉर्डर इलाकों पर जरूर चेकिंग की जा रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट का या तो प्रमाण पत्र या फिर उनका टेस्ट करने के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है, लेकिन ये हैं जो इंटरस्टेट बसें हैं उनमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। कल ही एक साल पूरा हुआ है छत्तीसगढ़ में, 18 मार्च 2020 को पहला केस आया था जब पहला पॉजिटिव एक युवती मिली थी, और आज एक साल बाद 1000 से ऊपर मामले और 6000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। तो समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ में ये दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैली है। अगर लापरवाही इसी प्रकार की लोगों की रही और प्रशासन की रही तो स्थिति एक बार फिर से बिगड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, और लापरवाही तो बरती गई है, अब प्रशासन किस तरह से एक्शन लेती है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस का एक तरह से विस्फोट हुआ है, 1000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं, तो एक तरह से ये हाई टाइम है छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस रायपुर और दुर्ग में मिल रहे हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 6000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस समय छत्तीसगढ़ में।